गाइस अभी टिटवाला आ गए हैं हम, अभी पापा के दर्शन करने जा रहे हैं, अभी पहुंचे हैं हम। गाइस नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ट्यूसडे है और अभी आफ्टरनून के हुए 2:15। तो आज हम रेडी हुए हैं तीनों, काजल, मैं और हबी, टिटवाला के टेम्पल जाने के लिए। तो टिटवाला में पापा का टेम्पल है, वहाँ पे पापा के दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी 2:15 हैं, हमारी निकलने की तैयारी हो रही है। तो अभी हबी को बोला बॉटल पानी की भर के लेके चलो, वहाँ पे फिर हम खा के आएंगे। आज खाना नहीं बनाया है, खाने की छुट्टी है। वहाँ के वड़ा पाव जैसे आपको बताया था फेमस है, वड़ा पाव, मिसल पाव सब फेमस है, तो वहाँ पे हम खाएंगे, पहले दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से ही खा के फिर सीधा घर आती हूँ। तो दर्शन करने जा रहे हैं, अभी पहुंचे हैं हम, टाइम करो क्यों वाला। पापा के दर्शन हो गए, 5 मिनट में रुके ही नहीं, रश थी ही नहीं, इतने लोग नहीं थे, फटाफट से दर्शन हो गए। अभी हम जा रहे हैं यहाँ का फेवरेट वड़ा पाव खाने के लिए, जो टिटवाला का बहुत ही फेमस है, तो वो खाते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे। यहाँ पे गार्डन है लेकिन उस गार्डन में हम नहीं जा रहे, तो अभी खा के सीधा निकल रहे। दाल के भजिए भी अच्छे, मैंने दूसरी प्लेट भी मंगाई है, खाना करने बनाया नहीं, तो यहाँ पे ठूसी भी बैठी हूँ, अभी खाना अच्छे से।
खाना खाया, चाय भी पी। अब निकल रहे हैं हम कल्याण डी मार्ट के लिए, वहाँ से ग्रोसरी का कुछ सामान लेंगे फिर घर जाएंगे। आज हमें घर जाना नहीं, हब्बी को ऐसे फंसा के बैठे हैं दोनों माँ बेटी। अभी 7:30 बजे हैं, मैं 7 बजे आई हूँ, इतना 2:15 बजे से निकले हैं तो अभी 7 बजे आए हैं। जैसे मैंने आपको बीच में ही बताया था, टीट वाला गए, उसके बाद फिर डी मार्ट गए। कल्याण के ईस्ट है जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे, एक वेस्ट में भी है तो वो बंद है, कल्याण में बंद हो गया है, तो आज दूसरे साइड गए। तो वो फर्स्ट टाइम गए थे, वो वहाँ पे हम कभी गए नहीं है, एक बार ही कार में गए थे तो वहाँ पे पार्किंग सिस्टम नहीं था तो वापस आए थे। तो अब गए आज सीधा वहाँ से ही गए हम, तो अब 7 बजे आए, इतनी थक गई हूँ, हालत मेरी इतनी ख़राब हो गई। वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ पे अंदर बैठने के लिए कुछ न चेयर थी न स्टूल था, कोई बंदोबस्त ही नहीं था, तो मैं जो घूम के थक गई, ऊपर और नीचे फर्स्ट फ्लोर तक था तो घूम के थक गई, तो फिर वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं थी। बाहर निकले तो ना ओला मिल रहा था ना उबर मिल रहा था, फिर हबी ने आखिर में ये अपना ऑटो ही बुक किया, तब जाके ऑटो में बैठ के आई हूँ। जब ऑटो में बैठी तब मुझे रिलीफ आया, मेरे पैर ऐसे गिर रहे थे कि अगर मुझे बैठना नहीं मिला, ऑटो नहीं मिला, तो मैं वहीं दीमार के बाहर ही बैठ जाती थी, नीचे गिर जाती थी, जैसे मेरी हालत हो गई। और अभी भी पैर में इतना दर्द पड़ रहा है, मैं चल नहीं पा रही, बहुत बहुत पेन हो रहा है। तो वहाँ पे हमने शॉपिंग की, लेकिन वहाँ पे जो पल्सेस वगैरह है ना वो सब खलास हो गई थी, वहाँ पे रश बहुत थी, कुछ तो खलास हो गई थी पल्सेस, और कुछ तो जो हमें क्वालिटी पसंद नहीं वो क्वालिटी की पड़ी थी, बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ की थी। तो जैसे चवली थी तो छोटे छोटे थे, अलग क्वालिटीज़ के थे, वो हमें पसंद नहीं, हम थोड़ा बड़ा यूज़ करते हैं चवली, तो वो वहाँ पे यहाँ से ही लेंगे, पल्सेस तो मैंने ली ही नहीं। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान मिल गया हमें समझ में आया तो मैं लेके आई हूँ। 2:15 बजे जो टीट वाला में गए हैं, उसके बाद सीधा गए व्यासी थे टीट वाला माथी का, 9 बजे पहुँचता हूँ मॉल में, अच्छा तो 2:15 से लेके 5 थी क्या,
2:15 से लेके 4:45 5 बजे हम मॉल में पहुंचे टीटवाला से, 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटे वहां आए हम। तब हेडा ट्रेन कल ना टीटवाला में लगा है बीखा पंजाब ना चाहिए भी था टीटवाला में था इधर 1:15 निकलता है 3 बजे उठते पहुंचते हैं टीटवाला चाहिए बजे भी वापस निकलता है अब हम लोग ला कर ले रहे हैं। 4 बजे हम टीटवाला में से निकले बोल रहे हैं अभी 2:15 गए हैं यहाँ से निकले हैं 4 बजे वहाँ से निकले हैं आने का रास्ता भी था तो 5 बजे हम मॉल में पहुँचे हैं आने का रास्ता भी था बहुत कल्याण तक पहुँचने में टाइम लगा तो वहाँ पे पहुँचे 5 से लेके 7 2 घंटे में वहाँ पे घूमी हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और नीचे पर्सेस तो मिली नहीं बाकी एक्स्ट्रा सामान बहुत ही अच्छा सामान लेके आई हूँ जो मेरी पसंद ही का है वो अभी ने लेके दिया है सामान तो सबसे पहले मेरा ये मेरा बेस्ट मेरी पसंद ही मिल गई ये छन्नी है छोटी सी छोटी सी शनी है तो ये पोहा धोने के लिए काम आएगी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये तो मैंने ये ली पोहा धोने के लिए या कड़ी पत्ता और धनिया धोते हैं मैं बहुत डालती हूँ सब में कड़ी पत्ता और धनिया तो इसमें ही धोने के लिए अच्छी रह जाएगी ये शनी बहुत ही मस्त लेके आए ये तो मुझे मैंने बोला बहुत अच्छी लग रही है ले लो ये भी बहुत छोटी सी है और मेरे लिए ये 2 कप ऐसे लेके आए हैं कूलर के टी और कॉफी कप है 2 लेके आए हैं 2 सेम मैंने हाल फिलहाल 2 लिए क्यों तो इसमें पकड़ने का वो नहीं है ना हैंडल वगैरह तो मैं बोली यूज करके देखती हूँ फिर बाद में सेट लेके आएंगे तो ये 2 लिए हबी के लिए और मेरे लिए और काजल के लिए ये काजल बड़े कप में चाय पीती है हमेशा बड़ा कप हो तो अभी बीच में ही हम ही लेके आए थे काजल के लिए बड़ा कप और घर के लिए लेके आए हैं कप बट ये मुझे अच्छे लगे वहां से तो मैंने ये ले लिया तो काजल के लिए भी हो गया 2 हमारे लिए कप हो गए तो ये 3 ही हो गए एक ये और 2 ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं प्यारे ये भी कूलर बोलते हैं इसको कूलर तो ये अभी 3 ही लेके आए तीनों के लिए अलग अलग वैरायटी के लिए लेके आए यूज करके देखते हैं फिर ये कूलर के सेट में दूसरे लेके आऊंगी अगर मुझे समझ में आए कि तो मेरा कैसे यहाँ पे रखने का वो हैंडल है ना वो ट्रॉली है ना कप स्टैंड है ना कप स्टैंड बोलते हैं कप और सासर स्टैंड है मुझे तो उसमें ये नहीं आएगा रखने में ये तो मुझे बाहर ही ट्रे में ही रखना पड़ेगा अभी पहले थके हुए थे काजल को मैंने बोला चाय बना के दे फिर बाद में व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ क्यों तो मुझे इतनी चाय की हो रही थी अभी को भी थके आए बहुत तो पहले काजल चाय बना के आई चाय बोला काजल ने रेडी है तो मैंने बोला गरम गरम पी लूँ इतनी थकी हुई हूँ वहाँ पे टीटवाला पे चाय पी हमने अपना खाना तो घर में मैंने बनाया नहीं था वहाँ पे पेट भर के हमने जो दाल के पकोड़े होते हैं दाल के भजिए वो खाए वड़े खाए मूंग दाल के भजिए होते हैं वो खाए 2 प्लेट वो मंगाए थे और 2 प्लेट वड़े पाव मंगाए थे एक्स्ट्रा पाव भी मंगाई तो वो बहुत खाए और वहाँ पे जो मेरी फेवरेट चटनी होती है मैंने आपको बताया रेड लहसुन और मिर्ची की चटनी होती है तो वो मुझे मिल गई वो भी चटनी थी एक नारियल की चटनी भी थी तो वहाँ के वड़े है ना इतने बेस्ट है खाने बैठो तो ऐसे लगता है और खाते जाए तो पेट ही नहीं भरे इंसान का तभी भी मैंने कम खाया कि मेरा खाना कम हो गया है ना अभी बोल रहे थे तेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है तू खा तेरे लिए दूसरी प्लेट मंगा रहे थे बट मैं खा ही नहीं पा रही थी मैंने एक ही खाया मैंने इनको बोले थी मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पेट अब भर गया मुझे ज़्यादा जा नहीं रहा है तभी भी बोल रहे थे तू खाना खा ही नहीं रही है मेरे से जा ही नहीं रहा है इतना क्या पता कम खाया मैंने फिर दूसरा भी मंगाया प्लेट मैंने ज़बरदस्ती करके खाए और मूंग दाल की भजी काजल ने खाए तो काजल ने बोला ये खा के देखो साथ में बड़े नहीं खा सकते हो तो फिर मूंग दाल के भजिए खाए मैंने उसके बाद चाय पी चाय भी
चाय भी वहां पे इतनी मस्त थी। बट क्या है ना, एक हमारे घर में आदत है चाय की, कहीं पे भी पियो इतनी वो स्पेशल चाय थी, मस्त चाय थी। बट अपने घर में आके जब रेस्ट नहीं करेंगे ना, बेड पे बैठ के आराम से चाय नहीं पियेंगे ना, तब तक थकावट नहीं उतरती। वो हबी भी बोलते हैं जब तक घर में हम अपने बेड पे कहीं से भी थक के आओ, कितनी भी बाहर चाय पी लो आप, कॉफी पी लो, घर पे अपने बेड पे आके रेस्ट करके आप जो चाय पियेंगे ना, भले वो दूध कम हो या पानी ज्यादा हो, कैसी भी चाय हो, लेकिन वो चाय आपको असर जरूर करेगी, उससे थकावट दूर जरूर होगी। तो वो पी के अभी मुझे फ्रेश लग रहा है, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप जो ये मैंने शनी बोली थी आपको, ये ओनली 39 रुपीज की है। में आलू भी धो सकते हैं, और अपना जो पोहे के आलू होते हैं छोटे छोटे काट के वो धो सकते हैं, और पोहा काजल अपने लिए कभी कभी बनाती है नाश्ते में अलग से, तो वो एक जने का या दो जने का पोहा इसमें बन जाएगा, धो के इसमें वॉश कर सकते, टमाटर वॉश कर सकते, और धनिया कड़ी पत्ता जैसे मेरी आदत है हर सब्जी में मैं डालती हूँ, तो वो धो सकती हूँ इसमें। और जो मैंने कप्स बताए आपको, कप बताए तो जो कूलर के जैसे थे, कूलर अलग आता है ना, वो मटके के जैसा होता है ना काजल, वो मटके की चीज का शायद मिट्टी का रहता है, ये भी कूलर के शेप में ही है। जो मैंने ब्राउन वाले कप दिखाए आपसे शेयर किए, वो भी 1990 रुपीज का एक था, दो लेके आए हम दो जने के लिए, 1990 रुपीज का था। और काजल का जो कप था, जो काजल वो लेती है बड़ा कप, काजल को हमेशा आदत है चाय कॉफी हो या मिल्क हो, वो बड़े कप में ही पीती है। तो अभी तो अलग से अभी कप लेके आए थे हम दोबारा, आज दूसरे भी लेके आए वहां पे अच्छे लगे। तो काजल का जो कप है वो 99 रुपीज में पड़ा, और मेरा 19, हबी का भी 19 वो। और ये बॉटल्स लेके आए काजल के लिए और मेरे लिए, हबी के लिए तो शॉप के लिए बॉटल्स रहती है अलग अलग, तो वो शॉप पे यहाँ से ही पानी भर के जाते हैं। तो ये मैंने ब्लू कलर में ली अपने लिए, और काजल ने ऐसे ब्राउन कलर में ली। तो काजल ने, ये काजल का ध्यान गया बॉटल पे, मेरा ध्यान नहीं जा रहा था। काजल बोली मम्मी भाई ये बॉटल्स अच्छी है, मैं लेके जाऊँ साथ में, ये कभी क्लास वगैरह पे जाती है या कहीं बाहर जाती है, तो अपना घर का ही हम लोग पानी आदत है एक्वागार्ड का पानी लेके जाते, तो कहीं पे भी ये छोटी है पर्स में भी आ जाएगी, इसके लिए छोटी ले ली। और भी शेप थे, बड़ी भी थी, बट काजल ने बोला छोटी होनी चाहिए कि वो पर्स वगैरह में आ जाए, तो इस हिसाब से ये मैंने छोटी छोटी बॉटल्स ली। तो ये भी एक 19 रुपीज की है ओनली, ये भी 19 रुपीज की है, एक 90 रुपीज की पड़ी। और काजल ये लिप बाम लेके आई हिमालय का, ये घने पे काजू 35, ये 35 रुपीज पड़ा ये हिमालय का लिप बाम। ये अभी ठंडी आएंगी तो उसमें काम आ जाएगा लिप बाम। और ये मैंने 4 पैकेट्स ये लिए डबल, जो आपको बोलती हूँ ना डबल के जिमजिम, मैंने जियो मार्ट से मंगाए थे, तो सिंगल में मिले थे, तो ये मेरे फेवरेट है बिस्कुट्स। ये मैंने 4 पैकेट जिमजिम के लिए है, ये मेरे फेवरेट है, मैं ये ज़्यादा उठा जाती हूँ जब भी जाती हूँ डी मार्ट में, ये पैकेट्स मैं ज़्यादा मंगाती हूँ। और घी लिया मैंने जेमनी का, ये भी मैंने 4 पैकेट्स ले लिए जेमनी के घी के। वहाँ पे पल्सेस हमें नहीं मिली, क्यों तो पल्सेस हम खलासी थी, लगभग खलासी बहुत। ये काजल ने अपने लिए लिए आटा नूडल्स, ट्राई करके देखूंगी, बोलती है बना के खा के देखूंगी। और ये डीमार्ट का ऑलवेज मैं प्रीमिया का ही सामान लेती हूँ वहां से, जो भी डीमार्ट में हो, हल्दी और रेड चिली पाउडर मैं हमेशा तीखा लाल ही यूज करती हूँ, आपको पता है एवरेस्ट का तीखा लाल, और कश्मीरी लाल मिर्च साथ में यूज करती हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च मेरे पास बहुत पड़ रहे हैं। और कितना सामान तो अभी तक मेरे पास पड़ा है, अभी एक ही साथ लाके रखते हैं तो हमारे पास, या तो लेके आते हैं तो एक साथ ही लेके आते हैं, तो ये इस बार मुझे कम ही चाहिए था। और टाटा साल्ट, मैं तो साल्ट टाटा का ही मंगाती हूँ। और ये मैं और बिस्कुट लेके आई लिटिल हार्ट्स के, ये भी मेरे फेवरेट है, ये हब्बी और मैं दिल से खाते हैं लिटिल हार्ट्स, ये बैठ के खाना खा लेंगे रात के टाइम पे, तो बैठ के ये लिटिल हार्ट्स बैठ के खाते हैं दोनों। और धनिया पाउडर भी प्रीमिया का ही मंगाती हूँ वहाँ से, मोस्टली जो भी डीमार्ट से मैं सामान ग्रोसरी मंगाती हूँ वो प्रीमिया की ही लेके आती हूँ, तो वो क्वालिटी अच्छी रहती है। बस वहाँ पे मुझे पल्सेस नहीं मिली, तो जो
डीमार्ट एक्चुअली में है हमारा, जहाँ पे जाते वो कल्याण वेस्ट साइड है, वहाँ पे पल्सेस मस्त अच्छी से मिलती है और प्रीमियर कंपनी के बहुत ही जो भी बोलो पल्सेस रेडी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पल्सेस रेडी नहीं मिले, प्रीमियर क्वालिटी के नहीं थे और अच्छी क्वालिटी के भी नहीं थे, ओनली ये मूंग दाल मिली हमें। और ये प्रीमिया की राई मैं लेके आई हूँ, ये एकदम फाइन होती है, एकदम पतली होती है, छोटी छोटी, तो ये पतली लेके आती हूँ कभी भी मैं, यहाँ पे नहीं मिलती है ऐसे यहाँ। बाकी शुगर हम लेके आए 2 किलो, क्यों तो ये भी थोड़ी बड़ी बड़ी शुगर थी, तो मैंने बोला 2 किलो ही ले लो, खाली चाय और इसमें डालेंगे हम, दूध में ही डालेंगे, क्यों तो यहाँ से फिर छोटी ले लेना आप, तो वो कभी भी उसमें भी काम आ जाएगी, ब्रेड बटर हो या कहीं पे लगा के खाने के लिए, तो फिर खाने में ये काम नहीं आएगी, ये ओनली टी कॉफ़ी और मिल्क में काम आएगी। तो गाइस बस यही मुझे सामान मिला, ये सब बस इतना ही मिला, पल्सेस वगैरह नहीं मिली, तो अभी ये पल्सेस मुझे यहाँ से मंगानी ही पड़ेगी। बाकी का एक्स्ट्रा जो है घी वगैरह मैंने पूरे मंथ का ले लिया, और शुगर के 2 पैकेट लेके आई हूँ, 2 किलो लेके आई हूँ मैं, और बाकी घर में भी पड़े हैं 2 पैकेट, मीन्स 4 किलो हो गई, और फिर भी अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से मैं मंगा लूँगी, क्यों तो ये वहाँ पे 35 एंड कुछ रुपीज़ थी, ऐसे 35 रुपीज़ हुई ना शुगर, हाँ शुगर का रेट 35 ही था वहाँ पे, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ओला में क्या हो रहा था, हम लोग ऑटो बुक कर रहे थे, तो एक बार कैंसिल किया, दोबारा बुक किया, दोबारा भी ओला वालों ने कैंसिल कर दिया, तो फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है उनकी, 2 बार किया, दोनों बार ही कैंसिल किया। वैसे तो कल्याण से हम ओला या उबर बुक कराए ना, हमारे ओला संघ में थोड़ा लेट मिल जाता है, कल्याण में ओला और उबर जल्दी मिल जाता है, तभी भी 2 बार काजल ने किया तो वो कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया, वो लोगों ने खुद ही कैंसिल कर दिया ऑटो वाले ने, 7 मिनट की दूरी पे थे ओनली, तभी भी नहीं आ रहे थे लेने के लिए वो लोग। आखिर अभी को गुस्सा आ गया, फिर काजल को बोले जाने दे, हमें चाहिए ही नहीं, ओला भी नहीं चाहिए, उबर भी नहीं चाहिए, हम अपना इसमें ही चल जाते ऑटो में। मेरी हालत ऐसी थी, बैठने की जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे दोनों हाथ पकड़ के ऑटो में दोनों ने बिठाया है, इतने मेरे पैर दुख रहे थे, मैं ऑटो में चढ़ नहीं पा रही थी, एक पैर भी नहीं ले पा रही थी ऑटो, तो जब मैं ऑटो में बैठी तब जाके मुझे रिलीफ मिला कि मुझे बैठने को मिला, मेरे पाँव इतने दुख रहे थे, 1 सेकंड और अभी नहीं बिठाते थे ऑटो में तो मैं वहाँ पे गिर जाती थी। तो गाइज मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, होप आप सबको पसंद आया, फाइनली मैं एंड कर रही हूँ, होप आप सबको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फेंक के आएगा, फेंक के ऊपर से ऐसे आएगा जैसे मोबाइल के ऊपर से टीचिंग नीलू का आया व्लॉग आया टीचिंग करके। हाँ जो इस व्लॉग में न्यू आए हैं, मेरे पहले वाले व्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग मी, थैंक्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, पकाऊ बातों के साथ, पकाऊ रेसिपीज के साथ, बाय बाय।